आसमान को चूमता हुआ विजयगढ़ का ये विशाल और शानदार महल है। बरसों पहले यहाँ खुशी के चिराग जलाए जाते थे, नगमे गाए जाते थे, लेकिन अब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सुनसान दीवारों के बीच में एक भयानक खामोशी घिरी हुई है। महल के हर आदमी के चेहरे पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं। इन सब की वजह है महारानी लक्ष्मी का बेऔलाद होना, बेऔलाद होना। महारानी, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे भागन के पास आंसू के सिवा और रखा ही क्या है? आज प्रजा का हर आदमी तुझे बाल और निपुति समझकर अपना मुंह फेर लेता है। इस महल का कोना कोना पत्थर पत्थर मेरी हंसी उड़ा रहा है। लक्ष्मी, स्वामी, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। ऐसा ना कहो महारानी, तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी है, तुम्हारा दुख हमारा दुख है। मेरा दुख दूर रहेंगे महाराज? हाँ कहो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। स्वामी, मेरी एक प्रार्थना है। बोलो। हाँ बोलो। आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। लक्ष्मी, ये तुमने क्या कहा? तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। हे नाग देवता, मैं संसार में निपुटी और बाल होकर नहीं जीना चाहती। दया करके आप मुझे अपने जहर की दो बूंद दे दीजिए, जिसे पीकर मैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊं। आप मेरी इतनी छोटी सी प्रार्थना भी नहीं सुनते? ठीक है, मैं भी आपके चरणों में सिर पटक पटक कर जान दे दूंगी। मैं अपनी प्राण दे दूंगी, प्राण दे दूंगी, प्राण दे दूंगी, प्राण दे दूंगी। काम हो रहा बेटी। प्रभु। बेटी, हम तुम्हारा दुख दर्द अच्छी तरह समझते हैं, किंतु इस तरह निराश होकर प्राण देना पाप है। मेरी जिंदगी खुद एक पाप है। हे नाग देवता, या तो मेरी गोद भर दीजिए या मेरे प्राण दे दीजिए। बेटी, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, किंतु तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हमें अपनी ममता का त्याग करना होगा। समय आने पर तुम्हारी कोख से हमारे बेटे का जन्म होगा। धन्य हो प्रभु। बेटी, जन्म लेने के बाद हमारा बेटा तो अपनी नाग जाति को भूल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ बातों के लिए हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। कौन सी बातों के लिए? तुम्हारे बेटे का जिसने भी जूठा खाया वो तुरंत मर जाएगा। दीन की आवाज सुनते ही वो उसके सुरों में मदहोश हो जाएगा। जिस लड़की के साथ वो शादी करेगा वो शादी का सुख नहीं पा सकेगा, और अगर तुमने उसके जीवन का भेद किसी को बता दिया तो वो फिर से नाग बन जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। नागराज, नागराज, ये आपने क्या किया? लक्ष्मी की गोद भरने के लिए अपना नागपुत्र उसे दे दिया? नागकन्या, लक्ष्मी हमारी परम भक्त है और भक्त की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। किंतु आपके इस अनोखे कर्तव्य ने मेरे प्रेम की बलि चला दी, मेरी इच्छाओं का गला खोद दिया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ नागराज, मैंने क्या क्या सपने देखे थे। नागपुत्र से मेरा विवाह होगा, मैं इस घर की बहू बनकर आऊंगी, लेकिन आपने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। शांत हो जाओ नागकन्या, जो होना था वो हो चुका। धीरज रखो और नागपुत्र को सदा के लिए भूल जाओ। नहीं, 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 नहीं
मुश्किल से ना करना, तुम कर भी क्या सकती हो। सब कुछ नागराज ने लक्ष्मी को वरदान दिया है, यदि तुमने नाग पुत्र के जन्म का भेद खोल दिया तो वो मनुष्य शरीर छोड़कर नाग बन जाएगा और एक ना एक दिन लक्ष्मी के मुंह से ये भेद खुलकर ही रहेगा और मेरा प्रियतम मुझे वापस मिल जाएगा। महामंत्री। महाराज की जय हो, महारानी ने चांद से बालक को जन्म दिया है। पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, बधाई हो महाराज। महामंत्री, महामंत्री, बरसों के बाद हमारी तमन्ना पूरी हुई, जो चारों तरफ खुशियों का ऐलान कर दो। जाओ महामंत्री। जैसी आज्ञा महाराज। ये तो नाग देवता है, हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जय नाग देवता। शिवजी का प्रसाद है, लड्डू है, अपने घी के हाथ है। तुम्हारे मुंह में इतना पानी क्यों आ रहा है? दो लड्डू क्या खाए, क्या कर ही रहे हो? अरे तुम खा लो सारे, तो खाओ। अब इसमें क्या खाना है, इसमें मैं क्या खाऊं, जनता को ही खा लेने दो। आई, ये नमूना क्यों रो रहा है? कैसा है मेरा नमूना, हजारों में एक, लाखों में एक बोलो। सो जा बेटा, सो जा, अपनी माँ की तरह गला मत फाड़। हटो हटो, उधर हटो, मैं सुलाती हूँ। सो जा मुन्ने, सो जा। सो जा मेरे राज दुलारे, मेरी अखियन के तारे, मैया पुकारे, सो
की जरूरत नहीं, सो जा। सो जा मेरे चांद सितारे। माँ मुझे भूख लगी, दूध चाहिए। दूध अभी तो पी के सोया था, तेरे बाप ने खड़े भर के रख दिए दूध के। बड़ा बापू को, बापू बापू। जब देखो तब शिकार के लिए जंगल में घूमता ही रहता है। अरे भाई वो राजपूत का बेटा है, अगर जंगल में शिकार नहीं करेगा तो क्या महल में चूड़ियां पहन कर बैठेगा? पिताजी वो देखो आ गया। आ बेटा, आ बेटा विक्रम, संभल के आना। पिताजी कहाँ जा रहे हो बेटा? बस यूं ही, आप चलिए मैं आया। आओ महारानी। नागकरण, नाग पुत्र को जन्म लिए हुए आज 25 वर्ष बीत गए, किंतु उसके जन्म का आज तक भेद न खुल सका। चिंता न करो माधवी, वो समय अब आ गया है। मैं अपना संकल्प पूरा करने पृथ्वी लोक जा रही हूँ। Thank you.